मुझे पता है आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है। हाँ बस कारोबार की परेशानी है थोड़ी। अल्लाह का शुक्र है वो तो अदालत ने मेरी जमानत मंजूर कर ली, लेकिन सामान वापस मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। आपने बाजार से कर्जा लेने की बात की थी, कोई पेशरफ्त हुई? कैसा कर्जा यार, सबको पता चल गया बाजार में कि मेरी दुकान का दिवालिया हो गया है। सब कतराने लग गए हैं मुझसे, वो लोग जो मेरे साथ दिन रात होते थे। अगर आप कहें तो मैं अकबर और असगर भाई से बात करूं? अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या सोचेंगे वो लोग कि मैं अपनी परेशानी उनके गले में डाल रहा हूं? नहीं कहता नहीं, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मैंने कभी जिंदगी में अपने आप को इतना मजबूर और लाचार महसूस नहीं किया, कभी भी नहीं। आप फिक्र मत करें, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो जरूर कोई सबब पैदा करेगा। इंशाल्लाह। चाय? तुम्हारे होने से बहुत हौसला होता है मुझे। ये तो बड़ा नौसरबाजी वाला सीन हो गया तेरे बहनों के साथ। बस क्या करें, इसीलिए तो आने में देर हो गई। खैर तुम बताओ, कोई रिजल्ट बना? क्या हुआ? और ये किस किस्म का होलिया बनाकर बैठी हो? खैर तो है? मैं ना पूछा, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया मुझसे। रिश्ते वाली थी ना, उसको तो भगा दिया मैंने, मगर अब आप जड़ दिया। सुबह तक मैं शांत था। जिस चीज का डर था मुझे वही हुआ। जरूर तुमने कोई हरकत की होगी। तो और मैं क्या करती? वो लालची औरतें मेरी माँ से पता नहीं क्या क्या मांग रहे थे, जहेज, गाड़ी, जायदाद। गुस्सा आया मुझे, दे दना दन सुना दी मैंने। मैं तो कैंची साथ लेके गई थी कि छुट्टियां काटूंगी, लेकिन कमबख्त मारी भाग गई। अब्बा ने लास्ट वार्निंग दे दिया, कह रहे हैं सुधर जा वरना खैर नहीं होगी तेरी। इसीलिए आज आधी लड़की बनकर बैठी हो? क्या बताऊं, ये उलझन हो रही है ना। साइमा, साइमा, अरे कहाँ गायब हो गई हो फिर से? साइमा कौन है? तुम्हारे घर में कोई और भी बहन है? मेरा नाम ही है, स्कूल के कार्ड पे लिखवाया था। अब जब लड़की बुलाने का दिल चाहता है ना तो साइमा साइमा ही लगी होती है। ना कर बबली बदमाश, साइमा तो सुनाना नाम। साइमा की जरूरत नहीं है तुझे, खबरदार बाहर किसी को ये नाम बताया, बात करना छोड़ दूंगी तुझसे। साइमा ढीठ बिल्कुल, अब आप ही जाओ। जाओ साइमा, हाथ बटाओ। हंसले जितना हंसता, मेरा वक्त भी आएगा।